टनमर्गपट्टन और दीगर इलाकों में चोरी वारदात बढ़ने लगे हैं। बढ़ते जराइम से लोगों में खौफ देखा जा रहा है। टनमर्ग और बाबरिशी में कई हफ्तों से मुतादित गाड़ियां और मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत मिली है। हरिवटनू पट्टन के अहमदपुरा, मीरगुंड और दीगर मकामात पर भी नकबजनों ने लाखों रुपए मालियत के जेवरात और दीगर अशिया पर अपना हाथ साफ किया है। हफ्तों से तो लोग यहाँ से परेशान हैं, सब लोग, खासकर जो भी जाता है, जहाँ भी गाड़ी रखते हैं, बहुत सी मतलब परेशानी होती है। चंद हफ्तों से यहाँ इतनी चोरी हुई, टंगरग में एक हुई, टंगरग बाबा ऋषि में हुई, बहुत से वारदात। मगर हमें बहुत अब पुलिस पर विश्वास है कि ये जल्द अज जल्द इनकी लगाम खींचेगी। अब यकीन नहीं करोगे, हमें इतना खौफदशर है कि हम अभी जाके अपनी गाड़ी की जगह खड़ा करने का सोचते ही नहीं है। गाड़ी से बाहर निकलने का भी सोच रहे हैं कि जिसको गेट ऑफ टी में बोला जाता है, टंगमर्ग हो, चंगली हुआ हो, कुंजोर हो, या डीडू हो, या फिर आपको अपनी डूमर लेके जाओ। बदकिस्मती से यह है कि यहाँ पे सीसी कैमरा ना होना यह हम टंगमर्ग वाले लोगों की बदकिस्मती है। टंगमर्ग पट्टन और दीगर इलाकों में लगातार हो रही चोरी की वारदात लोगों के लिए दर्द सर बन गया है। लोग अब किसी भी जगह गाड़ी रखने से कतराते हैं और खौफ महसूस कर रहे हैं। लोग पुलिस से अपील करते हैं और तवक्कुल भी रखते हैं कि चोरी और नकबजनों पर लगाम लगाई जाए ताकि लोग राहत की सांस ले सके। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर के लिए टनमर्ग से मैं मुनीर हुसैन खुर्रा। रफाबाद के इलाके में